यहाँ पर सरकार के खिलाफ आक्रोश लगातार सड़कों पर देखा जा रहा है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई से आवाम त्रस्त है और इन सभी परेशानियों के चलते बलूचिस्तान हो या पीओके हो, लगातार लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर और इसी गुस्से नाराजगी के चलते लोग सड़कों पर आ गए हैं। सड़कों पर आकर जो टकराव की स्थिति होती है उसमें कई बार जान का जोखिम भी रहता है, लेकिन बावजूद इसके लोग पीछे हट नहीं रहे। लोग कह रहे हैं अपने अधिकारों के लिए अगर प्राण भी देने पड़े ना तो दे देंगे और ना ही जान लेने से हम कतराएंगे। यही जो टकराव की स्थिति है, सेना के जवानों और साथ ही साथ आम लोगों के बीच में टकराव हुआ, जाने भी गई हैं, बहुत सी ऐसी मुठभेड़ भी हुई हैं जिन पर निगाह सरकार की बनी हुई है, लेकिन बावजूद इसके सॉल्यूशन कुछ मिल नहीं रहा। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी लोगों को परेशान कर रही है। ये तीन तस्वीरें आप देखिए, तीन तस्वीरें जहां पर पाकिस्तान खंड खंड होगा क्या, ये सवाल लगातार इसलिए बना हुआ है क्योंकि बलूचिस्तान में गदर मचा हुआ है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल हैं। आप समझिए कि महिलाएं घरों से निकलकर सड़क पर आ गई हैं अपने अधिकारों के लिए। उधर कराची में भी कोहराम की स्थिति है, वहाँ भी इसी तरह के प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो नारेबाजी हो रही है, नारेबाजी में काफिर काफिर, अहमदिया काफिर, अहमदिया काफिर, ये नारे भी वहाँ पर लग रहे हैं। ऐसे में ये जो नारेबाजी है, ये जो प्रदर्शन है, पाकिस्तान सरकार के नाक में दम करने के लिए काफ़ी है। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या 1971 जैसे हालात अब फिर से पैदा हो रहे हैं क्या? पाकिस्तान से टूटकर ही बांग्लादेश बना था और अब यहाँ पाकिस्तान क्या फिर से खंड खंड हो जाएगा, फिर से पाकिस्तान टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आएगा क्या? इन प्रदर्शन के बाद, इन तस्वीरों के बाद कुछ ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। अपडेट एक और आप जान लीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में आंदोलन हुआ है तेज। पाकिस्तान सरकार और आर्मी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, यानी कि गुस्सा है। शासन की अनदेखी से बलोच लोगों में नाराजगी है। महरंग बलोच यहां आंदोलन की अगुवाई करती हुई नजर आ रही हैं। यहां पेशे से डॉक्टर और बलोच विद्रोह का चेहरा, खास चेहरा है महरंग बलोच, और ऐसे में ये सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। पाकिस्तान आर्मी जिस तरीके से अत्याचार लोगों पर कर रही है उसके खिलाफ सड़कों पर है। ऐसे में मजबूत आवाज के तौर पर महरंग बलोच को देखा जा सकता है। महरंग बलोच कह रही है इतनी लाशें देखी हैं कि अब तो मौत भी डराती नहीं है, मौत से डर नहीं लगता। ये प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर आ गए हैं ये जानते हुए कि पाकिस्तानी सेना कभी भी गोली चला देगी, कभी भी जान ले लेगी, क्योंकि जाने लगातार लोगों की जा रही है। बावजूद इसके अगर लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आ रहे हैं तो इसके बड़े मायने हैं। इन हालातों पर बात करेंगे ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर, मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। यूके देवनाथ सर, जो हालात अभी बने हुए हैं, बलूचिस्तान में प्रदर्शन, पीओके में प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन वक्त के साथ साथ और ज्यादा मजबूत हुए हैं। मजबूत इसलिए भी कह लीजिए, जो महिलाएं पर्दा करती हैं, घरों में रहती हैं, वो महिलाएं भी अब खुलकर सड़कों पर हैं। वो कहती हैं आजादी हमें चाहिए। होगा क्या, पाकिस्तान फिर से टुकड़ों में बटेगा क्या? 45 में तब से पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। उन्होंने पाकिस्तान में हुक्मरान का मतलब यही है कि पंजाब पाकिस्तान के सुन्नी लोग, इन्हीं लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन में और जुडिशरी में ऊपर के जितने पोस्ट हैं सबको दखल किया हुआ है, और तो और पाकिस्तान की फौज में भी पंजाब प्रांत के सुन्नी मुसलमानों का ही दबदबा है। ट्रेडिशनली आज़ादी के पहले से भी इन लोगों ने कभी भी बलूचिस्तान के लोगों को अपना नहीं माना, उनको अपने से नीचा समझा, उनको ट्राइबल समझा, उनको अनपढ़ समझा, उनको गंवार समझा। आज़ादी के बाद भी बलूचिस्तान के थोड़े से लोग हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि बलूचिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो करीबन करीबन